जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी जिसके मानकीकृत रूप को मानक हिंदी कहा जाता है, विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। हिंदी अन्य भारतीय आर्य भाषाओं की तरह ही वैदिक संस्कृति की वंशज है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी से हुई है। ४७ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और व्यवहार राजेंद्र सिंह आदि लोगों ने बहुत प्रयास किए। 14 सितंबर 1950 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी की राजभाषा उसको घोषित किया गया। दरअसल 14 सितंबर 1950 को हिंदी के जो पुरोधा है व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ राजभाषा नीति भी लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत यह स्पष्ट किया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारत में कुल मिलाकर 22 भाषाएं प्रचलित हैं, जिनमें दो हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पर संघ स्तर पर उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। यह दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी भाषा भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड, त्रिनिदाद, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य कई देशों में बोली जाती है। हर साल हिंदी दिवस के दिन कई स्कूल, कॉलेज, कार्यालय आदि में हिंदी दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। कई लोग हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बात करने के लिए आगे आते हैं। हिंदी क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरित करके उन्हें सम्मानित किया जाता है। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफी प्रभावित हुए हैं, पर इस वजह से हम हमारी मातृभाषा भुला नहीं सकते। प्रत्येक वर्ष यह दिन हमें हमारी वास्तविक पहचान की याद दिलाता है। हम अपनी संस्कृति और मूल्यों को बरकरार रखना चाहिए और ये दिन इसके लिए अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। हमें अपनी राजभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है, केवल एक दिन ही नहीं नित हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद।